चलिए जी, सब आ गए तो हम क्लास का आगाज करते हैं दोबारा। मेरे बच्चों, मैं ये कह रहा था कि भाई जो डिबेंचर हमने लिए हुए थे, वो हमने लिए भी कितने के थे? 2 लाख रुपए के। उसका नाम था 10% डिबेंचर इन कैंडी। तो ये डिबेंचर हम क्या करें? दे दें किसे? दे दें जिनसे जिनसे हमने कर्जा लिया हुआ। जिनसे लिए थे हाँ, तो हमने 5% डिबेंचर अपनी लाइबिलिटी कम की और वो जो डिबेंचर हमने लिए थे उसे एज इट इज क्रेडिट कर दिया। बताओ, ये एंट्री समझ आती है ईमानदारी से? यस सर। अच्छा, अब मैं इसमें एक एजम्पशन ऐड कर लूं ताकि आगे सवालात करते हुए तुम मेरे डिपेंडेंट ना रहो, खुद कर लो काम। और क्या एजम्पशन हो सकती है बोलो? कि हमने तो कर्जा लिया हुआ था आवाम से 2 लाख रुपए, लेकिन जब हमें बड़ी कंपनी ने सर्टिफिकेट दिए तो बड़ी कंपनी ने हमें 2 लाख 20 के सर्टिफिकेट दे दिए। तो 2 लाख 20 के सर्टिफिकेट फिर पूरे देने पड़ेंगे। जिम्मेदारी कितनी थी हमारी? 2 लाख और अगर हमने रिसीव किए 2 20 के सर्टिफिकेट, तो 2 20 क्रेडिट होगा, तो फिर डिफरेंस किस साइड पर आएगा? डेबिट क्या डेबिट लिखेंगे डेबिट में? बस यूटिलाइजेशन अकाउंट। सिंपल सी बात है, समझ आ गई सबको ये बात? यस सर। कम वाली बात मुमकिन नहीं है। क्या ये होता है कभी कि किसी ने कर्जा दिया 2 लाख और कंपनी से बोले हम तो आपके 1.80 वापस करेंगे? ऐसा होता है, लेकिन वो एक अलग सिनेरियो होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में आमतौर पर ऐसा नहीं होता, वो कैपिटल रिडक्शन के टॉपिक। तो अगर आप इस बात पे क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे बच्चों। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये एंट्री बनाने के बाद अब हम अगली एंट्री किस चीज की बनाए आप लोग ही बताएं तो अच्छा होगा। लिक्विडेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन वेरी गुड। लिक्विडेशन एक्सपेंस की क्या एंट्री बनती थी? अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट सेम एंट्री बनी हुई है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। देखो, बच्चे ना बाद में परेशान होते हैं, यानी आप लोग अभी परेशान नहीं हो रहे, अल्लाह के हुक्म से आगे भी परेशान नहीं होगे, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं। स्टूडेंट ये सोचता है कि यार फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब बड़ी कंपनी लिक्विडेशन का खर्चा देगी तो वो परचेज कंसिडरेशन में शामिल होगा। शामिल होके वो हमें यहाँ मिला है, ये देखो ये आए हैं कैश, और फिर ये हमारे पास से चला गया और हमने इसे रियलाइजेशन में डाला। लेकिन जब ये पैसे रिसीव ना हो, सिर्फ छोटी कंपनी अपनी जेब से अदा कर रही हो, तो भी एंट्री यही बनेगी। लेकिन फिर फर्क क्या होगा? परचेज कंसिडरेशन निकालते हुए ये लिक्विडेशन के पैसे लिखने नहीं होंगे, जैसे हमने 17 में नहीं लिखे। ठीक है, मैंने इसको नंबर ऑफ टाइम्स इस बात को रिपीट कर दिया है। अब आगे बढ़ता हूँ, अब बताएं किस चीज की एंट्री बनानी है? अकाउंट तो बताएं, शेयर होल्डर अकाउंट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने का रिकॉर्ड हुआ है? 8,80,000। 8 लाख अस्सी अस्सी हजार हजार डेबिट कर दो मेरा बेटा। ये हुआ हुआ डेबिट आपको नजर तो आ ही रहा है। और क्या डेबिट होना चाहिए सोचें? रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग तो ऑलरेडी मेरा बच्चा डेबिट में है बिस्मा। रियलाइजेशन जी सर। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे। तो पहले चेक करो रियलाइजेशन क्या क्रेडिट में आ रहा है जो डेबिट करूं, पहले चेक तो करो। तो रियलाइजेशन पहली बार आया कहाँ? आओ चेक करते हैं। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड आया 60,000। फिर रियलाइजेशन कहाँ आया? डेबिट साइड, डेबिट में हाँ, 6,000। 6,000 तो क्रेडिट में था 60 और डेबिट हुआ 6। 6,000 भी कौन से साइड पे ज्यादा? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, रुपए क्रेडिट साइड कितने रुपए? 54,000। फोर तो 54,000 थाउजेंड क्रेडिट को खत्म करने के लिए कहाँ फेंको? डेबिट। तो बस ये देख लो लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 54,000, और हमने कहा रिटेन अर्निंग जो डेबिट में था वो खत्म हो गया, क्रेडिट चला गया, और बाकी अमाउंट को हमने किस अकाउंट में डाल दिया? शेयर होल्डर अकाउंट। क्लियर? यस सर। अच्छा मेरे बच्चों, अब आगे बढ़ता हूँ मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह आपको एंट्री समझ आ गई। और ये 7,34,000 रुपीज के हमने उनके हवाले शेयर किए, तो क्या हमारे पास 7,34,000 के शेयर थे? याद दिलाओ, हमने नो कितने सर। लिए थे? नो सर। 7,04,000। वेरी गुड, मैं दिखा, सात लाख चार हजार तसल्ली हो जाएगी अच्छे से। 7,04,000 के शेयर लिए थे, याद आया? बिल्कुल आ गया। तो यस अब सर। तो फिर 7,34,000 कैसे पे करेंगे आप बताओ हमें? तो डिबेंचर्स के 7,34,000 कैसे पे करें? डिबेंचर्स, नहीं डिबेंचर्स ही देंगे। अबे डिबेंचर्स क्यों देंगे? डिबेंचर तो हम दे चुके हैं, डिबेंचर का शेयर होल्डर से कोई ताल्लुक ही नहीं है मेरा बच्चा।
डिबेंचर को तो हमने इस एंट्री में सेटल कर दिया मेरे बच्चों, ये देखो डिबेंचर पेबल छोटी कंपनी का खत्म, और वो जो डिबेंचर लिए थे बड़ी कंपनी से वो इनके हवाले कर दिए। डिबेंचर होल्डर्स को बोला अल्लाह हाफिज, आज से आप हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस एंट्री में लिक्विडेशन का खर्चा अदा किया, इस एंट्री में शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज किया, शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज किया तो शेयर होल्डर इक्विटी कितनी बनी 734, जबकि हमारे पास शेयर होल्डर्स के लिए शेयर कितने रुपए के हैं 7,04,000। कितने के मेरा बेटा? 7,04,000। 7,04,000 देने होने 7,34,000। तो कहाँ से दें, आप क्या करें, बाकी कहाँ से दें लाके? कैश में से देंगे। एंट्री देख के भी अगर ना बता सके इंसान तो फिर इंसान करेगा क्या जिंदगी में? याद करो ना सारे एसेट ट्रांसफर हुए थे, कौन सा एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ था? कैश। कैश कैश कितना था इनके पास पहले से? 30,000। और आप अगर सारी एंट्रीज को ऊपर से लेके नीचे तक देखो तो पहली एंट्री में कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, दूसरी में हुआ, जितना डेबिट हुआ उतना ही चौथी एंट्री में क्रेडिट हो गया, तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो जो अभी भी डेबिट में पहले से है क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? 30,000। मेरा बेटा वो सारा कैश हमने दे दिया और इस तरह कंपनी खत्म हो गई, छोटी कंपनी खत्म हो चुकी है। बताएं इसमें कौन सी बात कंफ्यूज कर रही है आपको, मैं समझाने को तैयार हूँ। दोबारा नो सर, क्लियर है। ओके, तो आप बड़ी कंपनी की बुक में आ जाते हैं, क्या ख्याल है? यस सर। बड़ी कंपनी की बुक में आप लोग ये एंट्री बना चुके हैं सारी? यस सर। यस सर। मैं 2 मिनट का पॉज लूंगा। यस सर। आप बड़ी कंपनी की बुक में एंट्री बनाएं, शाबाश। ये सारी चीजें डेबिट करें, एसेट्स सारे डेबिट करें, सही है, ये वाली लायबिलिटी क्रेडिट करें, और क्या क्रेडिट होगा, आप बड़े समझदार लोग हैं, पेबल क्रेडिट हो जाएगा, और बाद में शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर्स को शेयर दिए जाएंगे, और डिबेंचर सेकंड एंट्री में इशू होगा, सही है, डिबेंचर फर्स्ट एंट्री में इशू नहीं करने। आज बड़ी कंपनी डिबेंचर दे रही है ना मेरे बच्चों, और कैश भी दे रही है, तो आज जैसे इसके पास यहाँ एंट्री बनी है ये वाली, इसको क्या क्या मिला, शेयर, कैश और डिबेंचर, तो ये सारी चीजें सेकेंड एंट्री में मिली है, इसी तरह बड़ी कंपनी भी ये सारी चीजें सेकेंड एंट्री में देगी। तो आप पहली और दूसरी एंट्री जरा जल्दी से बनाओ, मैं रुका हूँ। कोई दूसरी एंट्री बना ले तो मुझे बताए जरूर, ताकि फिर मैं चेक करूं आगे बढ़ूं, मतलब दूसरी एंट्री जैसे ही आप बना ले तो मुझे बताइएगा। बच्चों मैं नेट कनेक्ट करके देख रहा हूँ, घर का चल गया है शायद, तो अगर खुदा ना खास्ता डिस्कनेक्ट हो जाए तो रुकना, मैं आ रहा हूँ, सही है, वैसे इंशाल्लाह उम्मीद है अभी हो जाएगा फौरन कनेक्ट। हो गया, अब आप लोगों को आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है, और क्लियर हो जाएगी आवाज़, डेटा कनेक्शन पर वाकई बहुत तकलीफ दे होता मामला। जी भाई, अभी तक किसी ने भी एंट्री नहीं बनाई, इतनी देर हो गई।
ओके भाई, एमन और अरिशा ने बना ली है, तो अब हम शुरू करते हैं चेक करना। चलो भाई अपना जनाबे आली, सबसे पहले क्या डेबिट किया एमन? पहला डेबिट बोलो। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। अमाउंट भी बोलो ना। 1,10,000। ओके अरिशा, दूसरा डेबिट बोलो। अकाउंट रिसीवेबल। अमाउंट भी तो बोलनी है मेरा बच्चा। 150,000। नेक्स्ट बोलो अरिशा आप ही। लैंड 2,00,000। नेक्स्ट प्लांट एसेट। अमाउंट उसकी अमाउंट माइनस करके लिखी है मैंने, 4,80,000। वेरी गुड, 4,80,000। चलो हेमंत कंटिन्यू करो आगे। इसके आगे लिखा है गुडविल 60,000। गुडविल की अमाउंट पहले से लिख दी आपने, या मैं फर्श कर लूं कि मुझे नहीं पता तो मैंने डिफरेंस एक लाइन छोड़ दी? वैसे अगर आप पहले से डिसाइड करना चाहते हैं कर लें। देखो एक जुमला मैंने कहा था, सब लोग इस जुमले को गौर से सुने दोबारा। आज फिर मैं इस जुमले को कह रहा हूँ, आइंदा आने वाले दिनों में जब ये अमाउंट चेंज होगी तो मुझे कोई ये ना बोले कि सर हम परेशान होते हैं, कभी ये अमाउंट सेम होती है कभी डिफर करती है। आज तुम जो एंट्री बना रहे हो उसमें गुडविल कितनी आ रही है पढ़ना जरा एमन। 8,000। और मेरे पास छोटी कंपनी की बुक में फायदा भी कितना आया था? 60,000। यानी छोटी और बड़ी कंपनी दोनों के बुक में गुडविल और फायदा एक जैसी अमाउंट का है। लेकिन ऐसा सवाल भी हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे छोटी कंपनी को फायदा या नुकसान जो हो रहा है बड़ी कंपनी की बुक में वो अमाउंट मैच नहीं करेगी। और ऐसा कब होता है किसी को याद है? मैंने बताया था जब एग्रीड वैल्यू पे हम। हाँ भाई वाह जबरदस्त, खुश रहिए मेरा बेटा। जब एग्रीड वैल्यू पे चीजों का ट्रांसफर हो रहा हो तो छोटी कंपनी कहती है मेरी चीज तो मेरे मुताबिक जितने की थी उतने की ही गई, लेकिन बड़ी कंपनी कहती है मेरे पास ये चीज इतने की आई। तो फिर जब डिफरेंस आता है तो उसे जो है वो डिफरेंस जरूरी नहीं कि छोटी और बड़ी कंपनी का मैच हो। एक्सीलेंट एमन, जैसे आपने याद रखा मैं उम्मीद करता हूँ बाकी लोग भी इस बात को याद रखें। किसी को समझ नहीं आता तो वो पूछे, और ऐसा सवाल जब आएगा तो मैं दोबारा कह दूंगा। लेकिन वही वाली बात है, मैं इस बात से डरता हूँ कि ईयर एंड पर पेपर से पहले जब आप रिव्यू करते हैं ना तो आप छटपटा जाते हैं कि यार समझ नहीं आ रहा, जब सर पढ़ाते थे तो सब समझ आता था। भाई ये की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स दिमाग में रखोगे तो कभी भी छटपटाओगे नहीं इंशाल्लाह। चलो बात को आगे बढ़ाता हूँ, मैं क्यों बढ़ाता हूँ एमन ही बढ़ाएगी। बताओ एमन अगला क्या लिखा? उसके बाद क्रेडिट लिखा है पेबिल टू हिलाल 9,10,000 और अकाउंट पेबिल 90,000। अकाउंट पेबिल 90,000 लिखा और पेबिल टू हिलाल लिखा आपने 9,10,000। इसके बाद आपने सेकंड एंट्री में, बल्कि फिर आपने डिफरेंस लिया डेबिट क्रेडिट को और 60,000 रुपए गुडविल आ गई, ये आपने लिख दी पहली एंट्री कंप्लीट। चलो भाई दूसरी एंट्री बताओ अरिशा। ये बाकी लोग सो रहे हैं क्या? बिस्मा सामिया पेबल टू हिलाल है। नो सर। तो बेटे आप लोग को दावत वावत दूं मैं, कार्ड छपा के भेज दूं, बोलो तो घर। नहीं काम कर लिया तो बताया क्यों नहीं अभी तक है? नहीं सर मना कर लिया मैंने। अच्छा चलो फिर कर लिया है। अच्छा दूसरी एंट्री बना ली आपने रिफर? यस सर बना ली। बनाओ मेरा, बताओ मेरा बेटा आप बताओ, शाबाश क्या लिखा सर? पेबल टू हिलाल एंड को 9,10,000 से डेबिट किया है। वेरी गुड। शेयर्स इन कैंडी 7,04,000। नहीं मेरा कैश किए? नहीं मेरा बेटा, शेयर्स इन कैंडी थोड़ी होते हैं, ये तो शेयर इशू कर रही है ना कंपनी, तो जब किसी को शेयर दिए जाते हैं तो क्रेडिट में क्या लिखते हैं मेरा बेटा? ये कंपनी शेयर दी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल शेयर, ये तो शेयर इशू कर रही है ना, ये कहेगी हमने शेयर दिए और जिन्हें दिए वो बन गए हमारी कंपनी के रिफत मालिक, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट होना चाहिए। रिफत आपको समझ आया? समझ क्या आया? याद आया सर, आ गया समझ। यस सर यस सर भूल गया। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया 7,04,000 से, और क्या क्रेडिट किया रिफत? कैश 6,000 से। बस एंट्री कंप्लीट हो गई क्या? थोड़ी देने हमने तो आवाम को देने पैसे, तो हमने लिखा ये हमारी जिम्मेदारी है 10% डिबेंचर पेबल हम ये अदा करेंगे। समझ में आई सब लोगों को सेकेंड एंट्री? यस सर। सामिया रिपीट करो सेकेंड एंट्री। सामिया क्यों नाराज होती है, इसको क्या मसला है? आवाज ही नहीं आती इसकी। सामिया बेटे सेकंड एंट्री रिपीट कर दो मेरा बच्चा। नहीं भाई सामिया नहीं करेगी,
कसम खाई थी उसने। इसमें आप करो रिपीट। सर पेबल टू हलाल कंपनी डेबिट 9,10,000 और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 7,04,000, कैश क्रेडिट 6,000 और 10% डिबेंचर पेबल 2,00,000 क्रेडिट। सही है जी, शुक्रिया आप तमाम लोगों का बहुत बहुत। इसके बाद आप लोग बताएं आपने कितने सवाल अटेम्प्ट किए इंडिविजुअली वन बाय वन, मैं नाम लेके पूछता जाता हूँ बताते जाइएगा। सबसे पहले बिस्मा आप ही बता दें। सर मैंने 3 करे हैं। 3 किए हैं। एमन आप बताएं। सर 5। 5। अरिशा सर 4। 4। रिफत सर मैंने 2 किए। अच्छा सामिया आपने कितना काम किया बेटा? सामने की तो आवाज ही नहीं आ रही यार। सर अब आ रही है? हाँ आ रही आ रही आ गई। बहुत खराब आ रही है, गला खराब है या माइक खराब है? नहीं आपका माइक खराब है मुझे लग रहा है, क्योंकि आवाज बहुत खराब आ रही है और मेरे पास भी सबके पास आ रही होगी यकीन। हाँ चलो अच्छा बताओ कितने का? मैंने 4 क्वेश्चन किए। ओके भाई आप देखें वन बाय वन ना, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो अपनी कंफ्यूजन पूछ ले, वरना बस अब हम इसको चैप्टर को फिनिश लाइन के करीब लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन और 2015 प्राइवेट सर 2012 बस सबने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। अब एक मिनट 2016 के बाद अबे अच्छा भाई 2015 सही है सर 2015 प्राइवेट है ना, उसमें मेरी और अमन की फाइवर में ना थोड़ी मिस्टेक है। अच्छा अभी चेक कर लेते हैं। 15 प्राइवेट? हां जी सर। चलो जरा सब लोग 15 प्राइवेट पे आना भाई, मिलजुल के देखते हैं क्या मसला हो सकता है उसमें। मेरे पास भी वो चाइना वाली फाइबर है, अली अली बुक रिपोर्ट की फाइबर मुझे भी नहीं मिली थी। तो 15 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ अब इसमें बताएं मसला क्या है सर। इसमें हमें ना लिक्विडेशन एक्सपेंस की जो अमाउंट दी गई 25,000, वो मेरे पास 25,000 है और एमन की फाइबर में 35,000 है। मेरे पास 35,000 है। अच्छा मेरे पास, अच्छा मेरे पास ना स्टेटमेंट क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूँ, सही है फिर आप लोग भी चेक करना ये स्टेटमेंट कितने लोगों के पास लिखा है। लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ मून कंपनी लिमिटेड वर्थ 25,000 ऑफ विच रुपीज 20,000 वर पेड बाय एब्जॉर्बिंग कंपनी। जी सर मेरी फाइबर में यही लिखा हुआ है सर, यही लिखा है। चलो कोई बात, 35 लिखा हुआ है। अच्छा भाई अब सुनो यार, देखो अगर 35 और 25 35 हाँ तुम्हें 35 और 25 से अगर कोई मसला नहीं हो रहा और तुम लोग समझ गए हो और तुमने काम अपनी अपनी अकल के मुताबिक सही किया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर तुम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को एक दूसरे से मैच नहीं कर सकते। क्यों? लेकिन सर अमन के पास जो आंसर आ रहा है ना 35 के हिसाब से उसका कैश जीरो हो रहा है, तो मैंने भी 35 से किया तो मेरा कैश जीरो हो रहा है लेकिन 25 से जीरो नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा ओके अभी चेक कर लेते हैं। एक्सेप्ट कैश लिखा हुआ है ना, नहीं तो जो अगर कैश जीरो नहीं हो रहा था वो कैश तुम शेयर होल्डर को दे दो ना, क्या ख्याल है? अगर तुम्हारा कैश जीरो नहीं हो रहा था बिस्मा तो तुम कैश शेयर होल्डर को दे देती, जितना बच रहा था वो शेयर होल्डर को दे देती। जैसे अभी हमने यहाँ दिया है, याद है ये वाले सवाल में हमने अभी 30,000 कैश बचा हुआ था ना, वो हमने किसको दे दिया आखिरी एंट्री में? सर मैंने दिया है लास्ट एंट्री में लेकिन 235 आंसर आ रहा है मेरा, लेकिन अच्छा चलो अभी वो नहीं हो रहा है। अभी हम फास्ट ट्रैक पे चेक करते हैं, सही है फास्ट ट्रैक पे देखते हैं अगर हो सकता है तो कर लेते हैं चेक, सही है। अच्छा अब सवाल तो खैर वो मेरे सामने इस वक्त सॉल्व नहीं है, मैं तेजी से डिस्कस करता हूँ। मेरे मुताबिक आपने जो परचेज कंसीडरेशन निकालेंगे अगर आप 35 रख के निकालेंगे तो मैं फिर सबको 35 करा दूं या फिर 25। अब असल जो चीज है ना इसमें समझने वाली तो 35 और 25 नहीं है, असल चीज इसमें ये समझने वाली है कि लिक्विडेशन का खर्चा छोटी कंपनी का मून कंपनी का जो है वो 25,000 रुपए है और इसमें से 20,000 बड़ी कंपनियों से दे रही है, सही है। तो परचेज कंसीडरेशन में कितने रुपए लिखे जाएंगे ये बताओ बस, सब लोग छोड़ो 20,000। परचेज कंसीडरेशन सबकी सेम होनी चाहिए पहले तो ये तय कर लो। यस सर बताओ परचेज कंसीडरेशन मुझे लिख के भेजना जरा प्लीज, अगर टाइप कर सकते हो क्योंकि वो सब बोलते हैं तो पता नहीं चलता कौन कितनी बोल रहा। परचेज कंसीडरेशन जरा लिख के भेजना, मैं टाइप कर रही हूं तो मैसेज में मिल गया। अच्छा बता दो, चलो बता दो 9,75,000। ओके रिफत कह रही है 8,00,000 रुपीस, एमन और बिस्मा का जवाब और सानिया का जवाब एक जैसा है, अरिशा का जवाब आया नहीं है वो आ रहा है दूर से आ रहा है, अरिशा को मेरी आवाज थोड़ा लेट पहुंचती है। अरिशा
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आपके इंटरनेट में इस वक्त मसला है, मुझे अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरी आवाज सबको जा रही है ना, है भाई बिस्मा? हरीशा इंटरनेट में अब तुम्हारे एंड पे बेटा कोई प्रॉब्लम है मेरा बच्चा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई तुमने परचेज कंसीडरेशन क्या निकाली है सवाल की? हरीशा जल्दी बताओ। हरीशा बेटा परचेज कंसीडरेशन कितनी निकाली है? अच्छा चलो रिफत आप परचेज कंसीडरेशन जो निकाल रही हो जरा उसके एलिमेंट्स पढ़ो क्या क्या लिखे हैं। रिफत परचेज कंसीडरेशन में जो लाइन है आपने लिखी है वो पढ़ के सुनाओ। अरे रिफत को मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? लगता है रिफत का भी इंटरनेट गया। तो रिफत आप क्लास में है बेटा? सही है अरीशा आपका जवाब मिल गया मुझे, शुक्रिया। आप तीनों के जवाब सेम है, रिफत का जवाब वेरीफाई करवा दूं तो फिर आगे बढ़ू ना? रिफत को आवाज नहीं आ रही या रिफत लेफ्ट हो गई शायद, लेफ्ट हो गई, देखा उसका इंटरनेट खराब हो गया। यही होता है जब किसी को आवाज ना आ रही है उसका मतलब उसका इंटरनेट ही बंद हो जाता है। अच्छा तो ले भाई और किस किस को आवा है? अरीशा का भी नेट गया, क्या हो रहा है? इज्तिमाही इंटरनेट जा रहा है कि सबका? एक एक करके सबके इंटरनेट बंद होते यार। बहरहाल भाई आप तीनों से रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई आप लोग इस चैप्टर को आप फिनिश लाइन के करीब लेके जाएं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करते हैं जैसे अभी कर रहे हैं। बहरहाल अभी अगर रिफत आ जाती है तो परचेज कंसीडरेशन वेरीफाई करवा देंगे। चलो आगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसी का जवाब डिफरेंट है ना। रिफत अब आवाज आ रही है आपको? रिफत को आवाज आ रही है मेरी? रिफत जी सर आ रही है। बेटा परचेज कंसीडरेशन में क्या क्या लिखा है जल्दी जल्दी पढ़ो, टाइम नहीं है, बिल्कुल तेजी से पूरी इंग्लिश पढ़ना। रिफत सर मैंने जी जी सर सर न्यू नंबर ऑफ शेयर्स है 1,00,000 के मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 तो 60,000 के न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं और फॉर शेयर होल्डर्स के लिए जो मैंने निकाले वो 60,000 ऑर्डिनरी शेयर है। 60,000 को फिर मल्टीप्लाई भी तो किया होगा ना किसी से, मल्टीप्लाई किससे किया? सर 13 से। 13 से क्या जवाब आया? 7,80,000। एक मिनट यार रुकना, अबे भाई अल्लाह अकबर। मान साहब अच्छा जी मेरे बच्चों तो अपना 60,000 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या जवाब आया रिफत बेटा बताओ? रिफत आवाज आ रही है आपको? अरे म्यूट को कर लिया बेटा। सर 7,80,000। उसके बाद अगली लाइन पढ़ो क्या लिखा है। कैश 20,000। कैश 20,000? यस सर। बेटा 175 भी तो लिखा हुआ है यहाँ पे, आपके फाइबर में लिखा हुआ कैश ऑफ रुपीज 1,75,000 वाज आल्सो द पार्ट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। क्या आप सबके फाइबर में ये लिखा हुआ है भाई? नो यस सर लिखा हुआ है। तो बेटे 1,75,000 ये और 20,000 और मिल रहा है परचेज कंसीडरेशन में लिक्विडेशन के लिए, उसे अलग लिख के दिखाएंगे। रिफत मेरी बात सुन लो कैसे लिखोगी, ये देखो जी सर तुमने इस तरह प्रेजेंटेशन देनी है। तुमने हेडिंग डाली फॉर न्यू शेयर होल्डर्स, तुमने उसमें न्यू शेयर निकाल के दिखा दिए 60,000, फिर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 13। यहाँ तुमने टोटल क्या लिख दिया बोलो? अभी बताया था तुमने 7,80,000। उसके बाद नीचे हेडिंग इसके नीचे फॉरन लिखो कैश, कैश की अमाउंट लिखो 1,75,000। लिख दी मेरा बेटा? लिख दी बोलो? यस सर। उसके बाद नीचे हेडिंग डालो फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस। यस सर लिख दी। फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस हेडिंग डालो और कैश की अमाउंट जाके लिखो कितनी बोलो? 20,000। अब देखो चाहे 35 हो चाहे 25 हो उससे गर्ज नहीं है, yes, लेकिन 20,000 तो सबके पास सेम है ना भाई? यस सर। अब फाइनली मुझे बताओ यस सर चेस कंसीडरेशन तुम्हारे पास 975 बन रही है रिफर? रिफर जल्दी कर लो मेरा बेटा। यस सर 975। ओके अच्छा भाई अब जो है अगर हम इसको 35 मान लें
अगर हम इसको 35 मान लें तो भाई आप लोगों ने छोटी कंपनी की बुक में एंट्री बनाई होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट 35 से, और किसी ने एंट्री बनाई होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट 25 से, 10,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ये जो 10,000 का डिफरेंस आया होगा, अगर आपने किसी ने पहले ये बताएं 35 से एंट्री किस किस ने बनाई? सर मैंने पहले जो थी 25 से बनाई थी, फिर उसके बाद मिटा के 35 से बना ली थी। एक मिनट, सामिया ने बनाई और बिस्मा ने बनाई। एमन आपने 25,000 रियलाइजेशन डेबिट कैश क्रेडिट किया है, अरीशा ने 25,000 डेबिट और अच्छा तुमने भी यही बनाई है 35,000 से, तो सिर्फ एमन ने बनाई है 25,000 डेबिट रियलाइजेशन और कैश क्रेडिट। सर मैंने डिफरेंस लेके बना दिया गलती से। डिफरेंस लेके? अबे ये कौन सा तरीका है भाई, जितना मैंने 35 में से 20 माइनस करके तो 15,000 से बना दी। नहीं, पूरी अमाउंट से बनेगी ना भाई, पैसे तो पूरे के पूरे। सर मैंने भी इसी तरह किया है। अबे पठानों, बताया भी अभी सवाल में कि जितने पैसे अदा होंगे हाथ से तो किसके जाएंगे भाई, छोटी कंपनी के। इस कंपनी में सारे पैसे किसने दिए थे लिक्विडेशन के, याद करो इस सवाल में। कैंडी ने दिए थे हिलाल को? यस सर। लेकिन सारे पैसे गए किस हाथ से थे? हिलाल के हाथ से गए थे ना, हिलाल ने बोला था रियलाइजेशन डेबिट कैश क्रेडिट बनाई थी एंट्री। तो भाई चाहे सारा खर्चा बड़ी कंपनी दे, चाहे सारा खर्चा छोटी कंपनी दे, चाहे कुछ छोटी कंपनी कुछ बड़ी कंपनी दे, ये बोलेगी मेरे पास से कैश गया तो टोटल कितना, या तो 25 या 35 जो भी आप लोगों ने लिखा है। तो आप सबने अगर 35 लिखा है तो फिर 5 ईयर में 35 कर लें भाई आप सब लोग, अपने पास 35,000 से सबको समझा देता हूँ। लेकिन अगर ये बेतुका होगा, कोई कहेगा मैंने 15 लिखा, कोई कहेगा मैंने 25 लिखा, तो फिर तो कश्मीर होगा ना। तो अगर आप अमाउंट लिखना चाहते हैं बिल्कुल जो, यानी मुझे 35 और 25 लिखने में इतराज नहीं है, लेकिन मुझे 15 लिखने में इतराज है। 15 से नहीं बनेगी एंट्री, 15 से जो एंट्री बना रहे वो गलत बना रहे। मुझे 25 और 35 पे इतराज नहीं है, वो तो फाइवर में अमाउंट है ना आपकी, आपकी फाइवर में 35 लिखी आपने, 35 बना दी, जिसकी फाइवर में 25 लिख दें उसे 25 बना दी। क्या आपकी फाइवर में ये सेंटेंस यू लिखा है लिक्विडेशन एक्सपेंस मून कंपनी लिमिटेड वर रुपीज 35,000? तो अगर आपने 35 से एंट्री बनाई है तो सही बनाई है, और जिसकी फाइवर में 25,000 लिखा है वो 25 से बनाया। 15 से जो एंट्री बनाना है ना वो टोटली गलत है, 15 से एंट्री बनेगी नहीं मेरे हिसाब से, सही है, और ना 10 से बनेगी एंट्री। एंट्री बनेगी या तो 35 से या 25 से। अच्छा अब मुझे बताओ, मैं पहले 35 वालों से बात कर लूं भाई, 35 वाले कौन कौन है मेरे मुताबिक? 35 वाले हैं बिस्मा, अरीशा और सामिया। हाँ अब तुम तीनों मुझे बताना। सर मैं भी। अच्छा रिफत सर, मेरी फाइवर में भी 35 है भाई, सबने 35 लिखा हुआ है, मेरे पास ही 25 है, मैं अपने पास भी 35 ही कर लेता हूँ भाई, सही है। चलो 35 से एंट्री बनाई तुम सबने बिलफर्स्ट, और रिफत कह रही है उसने भी 35 कर लिया। हेमंत तुम अपने एंट्री सुनाओ, तुमने कितने से बनाई है? अब 35,000 से बनाई है। तुमने भी 35 से कर ली, तो बस फिर 35 के लास्ट से डिस्कस कर लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट 35 से करने के बाद। फिर तुमने इस रियलाइजेशन को क्लोज किया होगा, शेयर होल्डर का बताओ बैलेंस कितना आया, ये वाली जो एंट्री बनाती हो शेयर होल्डर का बैलेंस कितना आया बोलो, ये वाला बताओ ना, शेयर होल्डर का बैलेंस कितना आया सबके पास? तुम लोगों ने तो बनाई भी ना 1015000 1015000 आया। यस सर मेरे पास तो यही आ रहा है। सामिया सर मेरे पास तो 1090000 आ रहा है। अबे 1090 कैसे आ सकता है, अभी तो हमने डिस्कस किया पूरा। ऐसा जी 1015000 है ना बच्चों? यार अरीशा कह रही है 10-15 और एमन कुछ कह नहीं रही, वो अभी चेक कर रही होगी। बिस्मा कह रही है सब अलग अलग अमाउंट भाई। चलो मैं ये वाली एंट्री भी सुना देता हूँ, शेयर होल्डर वाली एंट्री सुनो फिर तुम लोगों ने क्या बनाई। शेयर होल्डर वाली एंट्री तुमने बनाई शेयर कैपिटल डेबिट 1,000,000, रिटेन अर्निंग डेबिट 90,000, दो चीजें डेबिट हो गई 1,000,000 और 90,000। अब रियलाइजेशन तो तुम लोग ही मुझे बता सकते हो, रियलाइजेशन पहली एंट्री में कितना आया तुम लोगों के पास इस सवाल की, इस सॉल्यूशन की पहली एंट्री में रियलाइजेशन? 70,000 क्रेडिट में कितना आया? 35,000 सर डेबिट साइड। यार तुम लोग तो सब एग्री नहीं कर रहे एक अमाउंट पे, हर कोई अलग अलग अमाउंट पुकार रहा है। पहली एंट्री में रियलाइजेशन कौन सी साइड पर और कितना है लिख के भेज दो।
35 क्रेडिट में आया। सर ये फर्स्ट वाली एंट्री की वो थर्ड वाली एंट्री की बोल रही हूँ, उसमें 35,000 आया था क्रेडिट साइड पर। तो यार मैं फर्स्ट वाली बोले जा रहा हूँ, फर्स्ट 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 पहली पहली कौन सी जुबान में बोलूँ, पहली एंट्री में रियलाइजेशन कहाँ आया मुसलमानों, पहली पहली बोलो, पहली में नहीं आया, आया है तो कहाँ आया? आज तुम लोगों ने क्या कोई दवाई ववाई पिए या मैं पी लूँ? पहली एंट्री में रियलाइजेशन आया है 70,000 डेबिट में आया है। रिफत पहली एंट्री में रियलाइजेशन कितना आया? यस सर। हरीशा बेटा पहली एंट्री में बता दे कितना आया है। हरीशा पहली सबसे पहली एंट्री जो बनती है ना छोटी कंपनी की बुक में, भाई इंटरनेट फिर चला गया था मेरा, तो मैं बहरहाल मीटिंग से चला गया था, वापस आ गया हूँ। आप सबको मेरी आवाज आ रही है तो मुझे जरा प्लीज बता दें कि पहली एंट्री में अरीशा बेटा पहली एंट्री में रियलाइजेशन कितना आया है? एमन आप बताओ, वन बाय वन पूछता हूँ। 70,000 आया डेबिट साइड पे। बिस्मा आप बताओ। 70,000 आया डेबिट में। रिफत आपके पास कितना है जल्दी बताओ बेटा, पहली एंट्री सबसे पहली एंट्री 70,000। ओके, दूसरी एंट्री में रियलाइजेशन आता ही नहीं है, तीसरी एंट्री में रियलाइजेशन आया है किसी के पास? यस सर। कितना आया है? 35,000। तो 70,000 70,000 डेबिट और 35,000 आया। अच्छा 70 भी डेबिट था और 35 भी डेबिट, दोनों डेबिट है इसका मतलब है? जी सर। यस सर। दोनों को प्लस करके 105,000 बना। यस सर। यस सर। अब मैं आखिरी बार एंट्री रिपीट कर रहा हूँ, ये वाली तुमने एंट्री बनाई। यस सर। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट 1,00,000, रिटेन अर्निंग डेबिट 90,000, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 10,00,000। हाँ अच्छा गलत बोल दिया, ऑर्डिनरी फिर बोल रहा हूँ, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10,00,000, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10,00,000, रिटेन अर्निंग 90,000, फिर क्रेडिट में लिखा आपने रियलाइजेशन अकाउंट 1,05,000 और डिफरेंस के अमाउंट को शेयर होल्डर अकाउंट में डाला। अब सबके अमाउंट सेम होने चाहिए वरना जूते पड़ेंगे, बता रहा हूँ। 9,85,000 सबके पास 9,85 आया। 9,85,000 अब आखिरी एंट्री सुन लो। यस सर। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 9,85,000, ठीक है। शेयर्स इन, शेयर्स इन कौन सी कंपनी भाई? 9,85,000 Shares in Star Company Credit. कितने के शेयर थे? 7,00,000। 7,80,000। तो बाकी अब क्या दें इन लोगों को? कैश। कैश। कितना कैश दें बताओ? कितना कैश लिखा तुम सबने? 2,05,000। आओ 2,05,000 को वेरीफाई करवा दूं। तुम्हारे पास कैश पहले से था, बताओ कितना? सवाल देख के। 45,000 था। नहीं, मेरे पास तो 15 लिखा है, तुम्हारे पास 45 कहाँ से भाई? 15 था। कैश है, डेबिट बैंक है। 15,000 है। अच्छा अच्छा, कैश भी है और बैंक भी है, तो बेटे फिर आप यहाँ कैश और बैंक दोनों क्रेडिट करेंगी, सही है? ये जो आप आखिरी एंट्री बनाएंगे ना शेयर होल्डर वाली, आप यहाँ कैश भी क्रेडिट करेंगी और बैंक भी क्रेडिट करेंगी। बैंक सेम अमाउंट से क्रेडिट करेंगी 30,000, सही है? आप यहाँ देख रही है मेरी स्क्रीन, यहाँ आप कैश यहाँ लिखें बैंक 30,000 और फिर बाकी डिफरेंस कैश लिखें, क्योंकि बैंक वाला पैसा भी तो आपने दिया ना लोगों को, सारा कैश ना लिखें, सारा कैश थोड़ी आज 30,000 रुपए बैंक में, सही है? समझ गए? बैंक क्रेडिट करें सब बच्चे कितने से? 30,000 रुपए से, और बाकी कैश में डालें। अब बताएं कैश कितना लिखा सबने, अब बताएं दोबारा। उसके बाद एंट्रीज देखो, पहली एंट्री में कैश ना आया ना गया, दूसरी एंट्री में कैश आया है, कितना आया है?
1,95,000 आया था? Yes, sir. Yes, sir. 195 और 15 प्लस कर लिया कितना बना? 2,10,000 सर, 175 आया था ना, 175 और 20 आया था बेटे, 125 में 20 ऐड नहीं करोगी परचेज कंसीडरेशन में, वो जो लिक्विडेशन के लिए मिले थे आपको 35 में से 20,000 आपकी बड़ी कंपनी ने बोला था मैं दूंगी, तो परचेज कंसीडरेशन में ये 20,000 लिखोगी ना, यही तो मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से। वो तो लिखे हैं सर, लेकिन एंट्री जब लिखेंगे तो उसमें मैंने 35,000 लिखा है ना। इधर देखो, इधर 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 मेरी बात सुनो, परेशान नहीं, एक मिनट मेरी बात गौर से सुनना, अभी समझ आ जाएगी। ये तुम्हारे सामने वो जो सवाल आज हमने सबसे पहला डिस्कस किया वो है, क्योंकि ये हुआ हुआ है तो यही है इस वक्त मौजूद। इसमें कैश सिर्फ किस मकसद के लिए मिला था बोलो? लिक्विडेशन एक्सपेंस की वजह से मिला था 6,000। लेकिन तुमने जो क्वेश्चन अभी किया है जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें शेयर होल्डर्स को शेयर मिले हैं और इसके नीचे क्या बोला था मैंने बताओ अभी थोड़ी देर पहले? अपने रजिस्टर में जो तुमने सवाल किया है, तुमने यहाँ शेयर लिखे हैं? जी सर। इसके नीचे वाले लाइन में क्या लिखा है बताओ मुझे? मेरा बेटा डिबेंचर होगी फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस? नहीं, फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस नहीं, कैश लिखा है। कैश लिखा है भाई, तो मैंने बताया तो है आप लोग, यार आपकी फाइवर में क्या मिसिंग है ये बात जुमला? स्टार कंपनी लिमिटेड इशू कर रही है 3 शेयर 10 रुपए वाले, 5 के बदले में 13 रुपए वाले, और कैश दे रही है 1,75,000। वो 175 कहाँ लिखा है बिस्मा? सर लिखा है कैश में। तो मेरा बेटा वही तो पूछ रहा हूँ, आपने हेडिंग डाली है कंपटीशन फॉर परचेज कंसीडरेशन, मैंने परचेज कंसीडरेशन अभी डिस्कस की थी, आप लोग भूल जाते हो इतनी जल्दी। आपने फॉर शेयर होल्डर की हेडिंग डाली है? जी सर। पहली लाइन में क्या लिखा पढ़ के सुनाओ अंग्रेजी में मुझे। 60,000 शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट रुपीस 10-13 ईच। अमाउंट लिख दी इसकी जो भी है, कितनी लिखी? जी सर 7,80,000। ये फौरन नीचे वाले लाइन में लिखना है कैश। जी सर लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 175। वेरी गुड। उसके फौरन अगली लाइन में लिखना है लिक्विडेशन एक्सपेंस। उसके फौरन अगली लाइन में लिखना है कैश 20,000। कितना लिखना है? 20,000, क्योंकि बड़ी कंपनी 20 दे रही है। तो अब जब एंट्री बनाओगी बिस्मा, तो बेटा 1,75 ये ऊपर वाला कैश और 20 टोटल कितना बना मेरा बच्चा? 195। तो आप ये जो एंट्री बनाओगी ना सेकंड, यहाँ पे आप कैश 195 डेबिट कर रही होगी ना, ये बोल रहा हूँ। सर अगर आपने ऐसे नहीं किया, जब ही आपका गलत हो रहा था तभी तो आप कह रही हो कि मेरा जवाब मैच नहीं हो रहा था, वरना चाहे 25 से एंट्री बनाओ चाहे 35 से, जवाब तो मैच होना चाहिए था। अब मुझे बताओ सही हो गया तुम्हारे पास ये वाला काम? पहले ये बताओ तुमने कैश 195 कर लिया यहाँ पर सेकंड एंट्री में छोटी कंपनी की बुक में? नहीं, 175 करो ना उसको, 195 करो मेरा बच्चा। सर कर लिया। अब ये डेबिट में तुमने क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले शेयर्स इन स्टार, शेयर्स इन स्टार कंपनी कितने से? शेयर इन स्टार कितने से? 7,80,000 और 7,80,000। और उसके बाद क्या लिखा है? कैश 195 और रिसीवेबल जो पहली एंट्री में डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो गया।